That first beat is right on time, right on top. Like they say, that can say that like they say that. TikTok की इस वीडियो को देख रहा था एक लड़का. इस लड़के ने इसके साथ एक ड्यूट वीडियो बनाया. इस ड्यूट वीडियो में उसने अपना फेस चेंज करके एक भूत का फेस बना रखा था. इस लड़के के ड्यूट वीडियो बनाने के बाद साजन का ये वीडियो रातों रात वायरल हो गया और साजन फेमस हो गया. इससे पहले साजन का कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ था. साजन ने सोचा, यार ये बंदा ना मेरे लिए बहुत लकी है, इससे मुझे बात करनी चाहिए. अब से मैं ना सारी वीडियो इसके साथ ही बनाऊंगी, बनाऊंगा. पर साजन को ये नहीं पता था कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि इस लड़के को भूत का मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. ये लड़का अपना रूप बदल सकता था. वो किसी भी भूत या इंसान का रूप ले सकता था. एक दिन साजन ने इस लड़के से फोन पर बात की और उसे अपने साथ वीडियो बनाने के लिए राजी कर लिया. अब वो दोनों मिलकर वीडियो बनाते और उनका बनाया वीडियो हमेशा वायरल हो जाता था. वो एक दूसरे के साथ कॉल पर काफी टाइम बिताने लगे. साजन की जिंदगी में क्या हो रहा था देखिए वीडियो देखने के बाद लड़कों का रिएक्शन. यार इस लड़की से हो गया मुझे प्यार, दिल चुरा लिया दिल. अबे साले सॉरी, गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ. भाई इसने तो तेरा दिल चुराया, मेरा तो दिल तोड़ दिया दिल. क्यों, ऐसा क्या कर दिया इस लड़की ने? भाई ये लड़की नहीं, लड़का है लड़का. भाई इसकी फोटो मत देख, टिकटॉक पर वीडियो देख. वीडियो देखने के बाद शिट, काश यार ये एक लड़की ही होती तो मैं इसे डेट करता और मैं इसे पटाने की कोशिश करता, बहुत प्यार करता, फैन बन जाता इसका. पर अब क्या करूं मैं इसका. लड़कियां वीडियो देखने के बाद पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लड़कों को. अड़ोसी पड़ोसी वीडियो देखने के बाद देखो जा रहा है, ये करता है टिकटॉक पे. साजन के दोस्त वीडियो देखने के बाद देख मेरी डार्लिंग आ गई. ओ टिकटॉक की ही क्वीन आ रही है. ही क्वीन मतलब? ही क्वीन मतलब रानी. घर वालों का रिएक्शन, क्या पागलपंती करता रहता है ये सब, कुछ ढंग का काम कर, पढ़ाई लिखाई कर, गवर्नमेंट ऑफिसर बन, डॉक्टर साइंटिस्ट बन, देश का नाम रोशन कर, क्या बेइज्जती करवाता रहता है हमारी भी और अपनी भी. पर साजन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया क्या बोलती है और उसके घर वाले क्या बोलते हैं. वो बस फेमस होने के लिए ये सब करता था. उसे काफी अच्छा लगता था जब उसके व्यूज मिलियंस में आते थे. लेकिन साजन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये लड़की बनकर वीडियो बनाना उसे मेंटली साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट कर रहा था. एक दिन भूतिया लड़का साजन को प्रपोज कर देता है शादी करने के लिए. साजन को तो पहले से ही भूतिया लड़का पसंद था. साजन उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया. पर साजन चाहता था पहले मैं अपना फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करवा लेती हूँ, पूरी लड़की बनने की सर्जरी करवा लेती हूँ, फिर करूँगी शादी. साजन अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करवा लेता है और साजन से सजनी बन जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सजनी को उस बॉडी में कंफर्ट फील नहीं होता. सजनी अपने पति से बोलती है, बेबी मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे बदन दर्द भी होता है, इस बॉडी में अब अच्छा नहीं लगता. बेबी टेंशन मत लो, अभी नई बॉडी है ना तो ये सब तो होगा ही, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा. और हाँ मैं हूँ ना मेरी बेबी का दर्द दूर करने के लिए. दोनों लाइट्स ऑफ करके सो जाते हैं. दोनों की शादी को एक साल से ज्यादा हो जाता है, पर अभी तक सजनी को ये पता नहीं चल पाया था कि उसका पति एक जादुई भूत है. भूत बोलता है, बेबी अब तक हमारे बच्चे नहीं हुए. वो नहीं होंगे
क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है अभी तक मेडिकल साइंस में कि ट्रांसजेंडर एक बच्चे को जन्म दे। ओ अच्छा ठीक है। बेबी यार तुम्हें पता है मैंने जिस दिन से अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है ना तब से लेकर आज तक मैं बिल्कुल खुश नहीं रह पाई। कभी हेडक तो कभी बॉडी पेन। मुझे लगता है ना कि मुझे फिर से लड़का बन जाना चाहिए। सजनी फिर से अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बोलता है ये करना बहुत खतरनाक होगा, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोई खेल नहीं है। सजनी उदास हो जाती है और फिर एक रात भगवान शिव सजनी के सपने में आते हैं और बोलते हैं बेटा मतलब बेटी अगर तुम नेचर के साथ खेलोगे और नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। दोस्तों पर अब सजनी दर्द भरी जिंदगी जीने के अलावा और कर भी क्या सकती थी, मजबूरी थी जीना। फिर एक दिन सजनी बहुत परेशान थी, वो सोच रही थी काश मैं बच्चे को जन्म दे पाती। बेबी तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैं हूँ ना हैवानों का भगवान, मैं करूँगा बच्चा पैदा तुम्हारी कोख से। दोस्तों भगवान ने आपको जैसा बनाया है वैसे ही रहें। अगर आपको पॉपुलर होना ही है तो अपने जेंडर में रहकर वीडियोस बनाएं, इससे आपको इज्जत भी मिलेगी और फेमस भी हो जाओगे।